मोरवा बाजार थाने की पुलिस ने क्षेत्र में लूट करने वाले 7 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि उरवा बाजार क्षेत्र में लूट करने वाले 7 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी पहचान प्रद्युमन उर्फ रण विजय पुत्र श्याम नयन पाल निवासी ग्राम सुअरन थाना गोला जनपद गोरखपुर, दूसरा अमित मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम कंवल मौर्य निवासी ग्राम टडवा बहलीन थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, तीसरा सिद्धार्थ उर्फ गोलू गिरी पुत्र कृष्णदेव गिरी निवासी ग्राम कुरावल थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, चौथा ऋषभ यादव पुत्र अध्याय यादव निवासी ग्राम मोहद्दीपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर, पांचवा अंकुर यादव उर्फ विनय यादव पुत्र राघव यादव निवासी ग्राम नेवशा थाना गोला गोरखपुर, छठवा सुंदरम यादव पुत्र दिलीप यादव निवासी नेवशा थाना गोला जनपद गोरखपुर, सातवा राज यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी ग्राम रायपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि 7 अभियुक्तों लूट व डकैती जैसे अपराध करने का काम करते थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर 7 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना उरवा और गोला क्षेत्र के नई उम्र के 7 लड़के विगत दिनों क्षेत्र में इनके द्वारा उरवा और गोला क्षेत्र में लूटपाट की 3-4 वारदातें की गई। पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और जब इस घटना का अनावरण किया तो इसमें 7 लोग प्रकाश में आए। इनके पास से लूटी गई रकम, मोबाइल और कुछ कागजात सब बरामद हुए, जिसके आधार पर इन्हें जेल में निरुद्ध किया गया। लेकिन ये अपराधी एक गिरोह बना करके समाज में अपराध से संपत्ति अर्जित करके मौज मस्ती कर रहे थे। इस नाते इनके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम में आज थाना उरवा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन करके इनके विरुद्ध इस अधिनियम में भी कार्यवाही की जाएगी, साथ ही साथ इनकी संपत्ति की जानकारी करके अपराध से अर्जित संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराया जाएगा।